अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम दाल चावल बना रहे हैं। तो ये पहले हमने दाल बनाने के मतलब सामान ले लिया है। ये दाल ली हमने आधा किलो, और ये दो अदद हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और ये टमाटो पेस्ट है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये वो ग्रीन चिली का पेस्ट है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑन कर रहे हैं। तो पहले हम ये राई दाना डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं, मतलब बस थोड़ा सा ही डालना है। और फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे जो हमने दो मीडियम साइज़ के लिए। इसको थोड़ा सा उठा के पकने देंगे, फिर थोड़ी देर बाद प्याज ऐड करेंगे। तो देखें, अभी थोड़ी देर बाद प्याज ऐड करते हैं। अब ये प्याज ऐड करेंगे, देखिए आहिस्ता से। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे ताकि ये मतलब लाइट ब्राउन कलर ले लेगी ना, फिर हम ये पेस्ट ऐड करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। अब ये देखें, लाइट ब्राउन होने शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें ये 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, अब इसे हम ऐड करेंगे। देखें, हमने ऐड कर लिया। और ये हरी मिर्ची लिए, इसके भी 2 टेबल स्पून लिए। आपने अगर ज़्यादा आप लोगों को पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये जीरा ऐड करेंगे, और ये 2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये नमक ऐड करेंगे, बाकी इसी ऐड करेंगे। लाल मिर्च हम लोग नहीं खाते, इसलिए वो नहीं ऐड करेंगे। अब इसकी मतलब भुनाई होती है, जब तक फ्राई होता है, तो फिर हम ये टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। देखें खाना शुरू हो गया, इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। जब ये अच्छी तरह फ्राई होता है तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह भून चुका है, तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले पानी ऐड करने से फ़ायदा होता है कि दाल जो है ना वो नीचे नहीं लगती, और गल भी अच्छी तरह जाती है। तो देखिए हमने पानी ऐड कर लिया, तो जब तक ये बॉयल होता है फिर हम मिलते हैं आपसे। अब इसको मतलब कि हाँ वो ये देखिए, ये हमने ऑयल लिया है उसके लिए, चावल के लिए, और उस साइड पे हमारी ये जो है दाल पकती है। तो इस पहले ये गर्म होगा तो हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हाँ ये गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। जब इसका जीरे का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें बिस्मिल्लाह करके पानी ऐड कर देंगे। अभी हम नमक ऐड करते हैं हसबे जायका। देखो अब ये पानी जब तक बॉयल होगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो जब तक हम अपनी दाल को देख लेते हैं कि पानी बॉयल हुआ है नहीं। दाल को अब भी नहीं हुआ पानी बॉयल। अभी हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं कि पानी बॉयल हुआ है नहीं। ये देखिए पानी बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपनी दाल ऐड कर लेंगे। ये देखिए दाल ऐड करेंगे। इस दाल को ना मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये जल्दी गल जाए और अच्छी बनती है। तो आप लोगों को जब भी बनानी, तो पहले 2 घंटे पहले दाल को भिगोएं, फिर बनाना स्टार्ट करें। देंगे जब ये दोबारा बॉयल होगी तो फिर चेक करते हैं। अब हम चावल के पानी को चेक करते हैं बॉयल हुए हैं नहीं। देखिए अब अच्छी
की तरफ बॉयल हो चुका है। तो हमें चावल ऐड करेंगे। इसमें हमने 4 गिलास पानी ले लिए थे और 2 गिलास हमने चावल लिए। चावल जो जितने चावल होते हैं उसे डबल पानी लेना होता है। इसे हमें आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चलिए अभी चेक करते अपने चावल को क्या स्पीड से आ रहे। ये देखें, ये मतलब कि अभी अच्छी तरह नहीं हुए हैं, बने नहीं है, तो अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखिए अभी पानी है इसके अंदर, ये देखिए अभी पानी है, तो इसको हम ना अभी हल्की आंच पे रख देंगे। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना फिर आपको दिखाते हैं। चले गाइस, अब हम अपने चावल भी चेक कर लेते हैं कि बने या नहीं। देखिए पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चम्मच खा के दिखा, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो चुका है पानी। चावल बिल्कुल तैयार है, देखिए एक एक दाना हुआ है, देखिए चेक करें बिल्कुल तैयार है चावल। अब अपने दाल की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी दाल को चेक करते हैं ये बनी है या नहीं। ये देखें, देखिए दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसके। ये देखें, अब इसके अंदर हम ये एक इग्नोर क्यूब ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखें इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अभी ये हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ये इसमें घी लिया है। पहले घी हमने ज़्यादा ऐड कर लिया था, तो अब हमने थोड़ा ही लिया तड़के के लिए। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, देखें, और ये लाल मिर्च, खुश्क लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये तड़के की तैयारी हो जाएगी। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। देखिए कितना प्यारा तड़का लगा है। देखिए तड़का लग चुका है इसमें, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। अब ये हमने हरा धनिया लिया है, इससे हम गार्निश कर देंगे इस दाल को, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।